अरे वाह वेरी गुड। पता चल हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आ सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। देखिए ये जो वीडियोस की सीरीज चले ना, इसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले भाई मॉडल्स जो है ना वो बहुत लाजवाब बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियोज में बच्चों ने बनाए थे, मैंने आपको दिखाए उनके यूनिक यूनिक आइडियाज, क्योंकि उनके छोटे छोटे दिमाग में कितने बड़े और कितने यूनिक आइडियाज जो है वो चलते रहते हैं भाई। तो भाई वीडियो में आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई ये जो रेड वाला बटन आपको दिखाई दे रहा ना, इसको दबा दीजिए ताकि इन द फ्यूचर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि बच्चों के यूनिक यूनिक आइडियाज है ना जो आपको मिलने वाले हैं अभी एक मिनट बाद ही, बहुत बहुत लाजवाब यूनिक आइडियाज जो बच्चों के मिलने वाले हैं वो भाई दूसरों तक पहुंचे, ताकि हो सकता है कोई यूनिक आइडिया किसी के काम आ जाए, है ना। तो भाई चलिए चलते हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेता हूं, वीडियो में देखते हैं आगे क्या क्या मॉडल्स बच्चों ने, यूनिक मॉडल जो है ना वो बच्चों ने बनाए, क्या उनके दिमाग में चलता रहता है भाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भाई मॉडल्स यहाँ पर सारे बचे हुए हैं, ये है सेव द अर्थ, काफी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज किया। बेटा थोड़ा बताएंगे आप, काफी सुंदर आपका मॉडल यहाँ पर लग रहा है जी। पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है, जैसे कि जानते हैं दिवाली में दिल्ली में कितने सारे पटाखे फोड़ दिए जी, दिल्ली में दो दिन पहले इतना कोहरा छाया हुआ था जी, जिससे में बहुत हानि जी, जैसा कि आप जानते हैं कारों में बसों में इतना तेज लगा होता है कि हमारे कानों को चुपका है जी, जल प्रदूषण जी। अच्छा यहाँ जल प्रदूषण है जी, जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी पहले आज गंगा नदी आज नदी बहुत से गंदी थी, मेरा मानना है कि अच्छा मृदा प्रदूषण है ठीक है। आपने सीधी बात है, पृथ्वी को आपको बचाना है सारे प्रदूषण से, तो आपको क्या लगता है हम किस तरीके से पृथ्वी को बचा सकते हैं? कम करना होगा और इसके अलावा पेड़ों को नहीं लगाना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अच्छा अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, चलिए वेरी गुड। वैसे आपका बहुत सुंदर दिख रहा है प्रोजेक्ट, मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर ये बनाया हुआ है न्यूटन्स क्रेडल्स, आप क्या ये बॉल्स वगैरह काफी सुंदर लग रहा है, आप बताइए हमको जरा कैसे काम करता है ये? जो इस जी जी। अच्छा मतलब इसमें कैसे आपको पता चला ये, आप मतलब क्या आपने इस बॉल को, मान लीजिए इस दो बॉल को हम लेते हैं यहाँ पर है ना, और यहाँ पर ये दो बॉल को लेके यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, तो फिर कैसे काम करती है? तो सर ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा दो भागों में, अगर एक बॉल से करेंगे तो एक पार्ट में यहाँ पर हिस्सा लगेगा यानी बल लगेगा, और दूसरे से करेंगे दोनों का चाहेंगे। आपके यहाँ पर क्लास 9-10 में यहाँ पर ड्यूटी लगी, तो किस हिसाब से गार्जियन यहाँ पर आया, क्या लगा आपको, सफल आयोजन कहा जाएगा इसका, किस हिसाब से यहाँ पर भीड़, किस हिसाब से बच्चों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया सर? जिस तरीके से गार्जियंस आए और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उन्होंने जिस तरीके से सारे मॉडल्स को वॉच किया, ऑब्जर्वेशन किया, और मोस्टली कुछ गार्जियंस ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस में पुट अप किए जी जी जी, मे बी वो रिलेटेड टू टॉपिक्स ही थे जी जी, तो उस हिसाब से लगता है कि आज का आयोजन कम्प्लीटली सफल रहा जी। बिल्कुल बच्चों का प्रयास बहुत सार्थक था, बहुत अच्छा उन्होंने बच्चों की, भाई जहाँ तक हमने रिव्यू लिया है तो सारे ही गार्जियन यहाँ पर बहुत अच्छे रिव्यू बच्चों को दे, गार्जियन का पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड था जी, पॉजिटिव सेंस निकलता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज का जो कार्यक्रम है जी, तो कहीं ना कहीं आनंदी भाई हर्षे के लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला जी जी जी। बिल्कुल सर धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए, जो आपने मेहनत की है बच्चों के लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बेटा आप बताइए हमको क्या नाम है आपका? जीनेस पटेल। आपने यहाँ पर बेटा क्या बनाया, थोड़ा हमें रोड बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? थोड़ा लाउड बोलना बेटा आप। हाँ बेस्ड ऑन प्लास्टिक रोड जी, इसके लिए हमने एक सैंपल को तैयार किया है जिसमें। अच्छा ये क्या है बेटा? ये सैंपल है, मतलब अगर हम रोड बनाएंगे प्लास्टिक वाला। अच्छा प्लास्टिक जो मतलब जो हम लोग वेस्ट करते हैं उसका, उसको ही लेके आपने यहाँ पर प्लास्टिक के द्वारा रोड बना रहे हैं? हमने इसमें प्लास्टिक के पार्टिकल को मिक्स किया है। तो ये प्लास्टिक के द्वारा बनाया गया रोड? ये वाला नहीं है। अच्छा ये नहीं है, सिर्फ सैंपल आपने दिखाया कि हम बना सकते हैं ऐसे बना। अच्छा इससे फायदे क्या है?
प्लास्टिक यूज करके रोड बनाएंगे तो 1 किलोमीटर रोड बनाने में हमें 10 टन डामर लगेगा। अगर हम प्लास्टिक को उससे मिक्स करेंगे तो हमें 9 टन डामर लगेगा और 1 टन प्लास्टिक का यूज करेंगे, जिससे हमारी 1 टन प्लास्टिक होगी यूज हो जाएगी। हाँ, 1 टन प्लास्टिक। बेटा आपका आइडिया तो मैं आपको बता दूँ बहुत यूनिक है, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और जो हमें डामर में जो हम लोग परचेज कर रहे थे रुपए वो भी कम। जी डॉली आप बताओ बेटा, आप वहाँ पर मॉडल को देख रही हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। आपने पार्टिसिपेट किया है ना? हाँ, छात्र तो आपको क्या यूनिक लगा है इसमें? नहीं सर बहुत बढ़िया है। आप बताइए जरा, यहाँ पर पहले से बहुत अलग है, पहले से बहुत अलग है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है। हाँ, तो आप बच्चों को क्या रिव्यू देना चाहते हैं, कितने नंबर देंगे 10 में से? आप बताइए, आपकी सिस्टर ने भी यहाँ पर मॉडल्स को बनाया है, कैसा लगा आपको उसकी मेहनत? सर अच्छा लगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मेहनत बच्चे ने की है कि आप लोगों ने भी करवाई है? नहीं, बच्चों ने की है ना सारी मेहनत। चलिए ये तो बहुत बढ़िया रहा। और आपको क्या लगता है ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रही कि नहीं रही? सब बहुत अच्छी रही ना, ऐसे आए तो होते रहे। अच्छा आप लोगों के नहीं हुआ? अरे हम लोगों का होगा है ना। हाँ। अरे मतलब हुआ है लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, इतना अच्छा। ये अभी बच्चों ने देख रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया रिव्यू मिल रहा है भाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो यहाँ पर अवनी सर से भी बात करेंगे। सर आपको कैसा लगा बच्चों के? बहुत बढ़िया, बच्चों का प्रयास जीवन प्रयास रहा है बच्चों ने। बेटा आप बताओ क्या नाम है आपका? आदित्य श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी आप बताइए हमको, आपको मॉडल्स यहाँ पर कैसे लगे? आपको क्या आपने कभी मॉडल्स को बनाया है? नहीं अभी तक तो नहीं बना। अभी तक नहीं बनाया है तो क्या आप इनको देखकर आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए? प्रेरणा हो रही है तो भाई आप भी बनाएं और अच्छे से आप नंबर लाएं, ठीक है? बधाई हो आपको। नमस्ते बुढ़िया रानी, कैसा लगा मॉडल? सर बहुत अच्छा मॉडल। बढ़िया लगा आपको? कैसा रहा आपका? अच्छा लगा। आपको क्या लगा आपके समय में ये जो मॉडल था, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ चुकी हो तो आपको उस समय से इस समय में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत कुछ देखने को मिला। मॉडल्स का स्तर बढ़ा है या घटा है? अच्छा, अच्छा। मतलब इस बार बच्चों ने बहुत ज्यादा वर्किंग मॉडल्स बनाए। जी जी जी। हाँ। चलिए आप बताइए बेटा आपने यहाँ पर क्या बनाया, थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा। हमने ये बनाया जी, किसानों की समस्या का समाधान कैसे कर सकते? किसानों की समस्या का समाधान, तो पहले समस्या बताओ क्या समस्या है किसानों की? समस्या ये है कि जो किसान होते हैं ना तो अधिकतर गाँव में निवास करते हैं जी, तो उन्हें तो नहीं पता ना कि किसान अपने खेत में कैसे तार लगाए नहीं लगाए, तो इसके लिए बनाया। किसान अपने खेत के चारों तरफ नुकीली तार लगा देते हैं, जैसे कोई जानवर है खेत में जा रहा है, जानवर को तो नहीं पता ना कि किसान ने अपने खेत में नुकीली तार लगाई। जी जी। तो उसके गर्दन पे या हाथ पैर पे जी जैसे ये उसकी चोट लग सकती जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा मानना है। तो आप क्या करेंगे फिर, उनकी खेती खराब हो जाएगी तो वो कैसे बचेंगे, आपको क्या लगता है? तो उसके लिए हम ऐसे वायर और ऐसे तो लगा सकते हैं, तो क्या ये अलार्म? अच्छा, इसको ये जो ये अलार्म वाला तार है, थोड़ा आप हमको बताएंगे ये कैसे काम करेगा? जैसे किसी जानवर ने इसको छुआ जी, छुएगा तो ये अलार्म बजेगा। अरे वाह, वेरी गुड, पता चल जाएगा कि उसकी खेती असुरक्षित है। अच्छा, मतलब कहीं दूर भी बैठे हो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो आप जानवरों को भी यहाँ पर हानि नहीं होगी और उनको अलार्म के द्वारा पता चल जाएगा कोई जानवर उनको घुसने का प्रयास कर। अरे वाह क्या, मतलब ध्वनि से उसको डर लगेगा और वो चला जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत सराहनीय आपका ये प्रयास है और किसान भाइयों को कहीं ना कहीं इससे सीख लेनी चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। आप बताओ बेटा थोड़ा आपने क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, क्या क्या आपने बनाया है? हीमोफीलिया जी, जो कि एक अनुवांशिक रोग है जी, जो अपने माता पिता के संतानों में अग्रसर रहता है। अच्छा, और इसका दूसरा नाम है पैतृक अग्रसर। जी, दूसरा नाम पैतृक अग्रसर इसलिए पड़ा क्योंकि कोई पैतृक बीमारी है, दूषित है, रक्त का श्रवण करती है, इसलिए इसका नाम पैतृक अग्रसर पड़ गया। और यही वही बीमारी है जो महारानी विक्टोरिया को हुई थी और उनकी संतानों को भी हुई थी, इसलिए इसका नाम शाही अनुवांशिक रोग है ये। तो मतलब अभी क्या लगता है तो कहीं के रोगी हैं? हाँ, है। कितने? लगभग 70,000 है भारत। 70,000 भारत में हीमोफीलिया के? अच्छा, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में रक्त का बहना बंद नहीं होता। रक्त का बहना बंद नहीं होता, तो कोई उपाय मान लीजिए उनको चोट लग जाए तो फिर कैसे रुकेगा? जिसकी कमी होती है इस जी, में। जी। उसकी पूर्ति के लिए हम एक थेरेपी का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा ये रोग सही हो जाता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हार्ट है ना वर्किंग हार्ट मॉडल यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है यहाँ पर। क्या बेटा ये हार्ट मॉडल थोड़ा वर्क करके दिखाओ, ये काम करता है नहीं करता? नमस्ते भाई। जैसे कि आपको सांस लेती हैं? जी जी बिल्कुल लेते हैं। सांस लेते तो अपने जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं जी, और जो सांस मतलब छोड़ते हैं तो अपने जो होते हैं तो फेफड़े वो सिकुड़ जाते हैं। थोड़ा आप हमको बताएंगे? हाँ, और जैसे सांस लेते हैं तो सब ये फूल जाते हैं। फूल तो नहीं रहे? अच्छा, कर रहे हैं जी जी, वर्क कर रहे हैं। वेरी गुड।
स्वच्छंद बनाया बहुत सुंदर। बेटा आपने क्या बनाया यहाँ पर? अच्छा ये मानव कोशिका है जो आपने बनाई। बेटा नाम क्या है आपका? गौरी चौहान। थोड़ा कोशिका के बारे में बताओ जरा हमको। अच्छा ये ह्यूमन सेल है ना बेटा? हाँ। थोड़ा बताए इनके पार्ट के बारे में, कौन कौन से पार्ट होते हैं? अरे ये सेल है, उस सेल के पूरे जो भी पार्ट होते हैं वो आपने देखा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत बताइए आपको। थोड़ा आप बताइए हमको बेटा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राधा दुबे। मैं कहता राधा दुबे जी, थोड़ा बताइए आपको क्या आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मॉडल के द्वारा? अच्छा ये इनसे पॉल्यूशन निकाला है, धुआं निकाला है ठीक? तो इनमें, इन धुएं में कौन कौन सी गैसेस होती है? और जो प्रदूषित गैसें होती है वो होती है। तो आप हमको ये बताइए आप कम कैसे करोगे? सर कम कैसे करोगे? इनका भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और जो पेड़ों की कटाई हो रही है जी, उसकी जगह भी पेड़ों को लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब पेड़ों को कटाई बंद कर देनी चाहिए और उनके अल्टरनेट हमको पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अनुमान भी नहीं लगा सकते कि एक साल में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा समुद्री पक्षी सिर्फ और सिर्फ वायु के कारण 1 मिलियन से ज्यादा 1 मिलियन साल। ये डेटा आपने कहाँ से लिया? डेटा हमने पढ़ा है किताबों में। अच्छा, किताबों से आपने डेटा लिया? 1 मिलियन भाई बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पाया गया था लगभग 3.5 लाख से 5 लाख संबंधी रोग, सांस न ले पाना और फेफड़ों में कैंसर जैसी आदि बीमारियों के कारण मरते, तो सिर्फ और सिर्फ वायु के कारण। चलिए मान लीजिए आप कल के दिन कुछ बनती हो तो आप कैसे रोकोगे? क्या आप क्या करोगे कल के दिन? अगर कुछ अधिकारी आप बनती हो फ्यूचर में तो आप कैसे रोकोगे? सर मैं सबसे पहले तो जो पेड़ों की कटाई हो रही है इसको रोकने का प्रयास करूंगी जी जी, और उसके बाद में वाहनों का कम से कम प्रयोग करवाऊंगी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपसे थोड़ा बात करेंगे। अमरीन अबरान नाम है आपका, तो आपने आप बताइए आपके समय में, आप तो यहाँ पर पुरातन छात्र हैं, तो आपने यहाँ पर एक्टिविटी की है? जी तो, बहुत की है। अच्छा बहुत की है, तो आपको यहाँ पर आपको क्या लगा उस स्तर में और इस स्तर में, क्या कोई बच्चों में फर्क बदलाव आया या स्टैंडर्ड मॉडल्स का बढ़ा है या और कोई एक्टिविटी जो बच्चों में? पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इतना मतलब फैसिलिटीज नहीं थी जी, ठीक है जी, तो उस हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट बनाते जी, और इन्होंने आज को देखते हुए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए और इन लोगों का मतलब लर्निंग पावर बहुत अच्छा है। अच्छा, हर एक चीज एकदम सटीक बता रहे हैं लोग जी जी जी, ये बात है। तो आपको क्या, आपने सारे मॉडल को विजिट किया, क्या आपको बहुत अच्छा लगा बच्चों में? हमें अच्छा सब कुछ लगा, सभी कुछ, मतलब आपके अनुसार सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आपने बच्चों से क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन किए थे तो क्या वो उनके आंसर दे रहे थे? ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिए हैं। अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो अच्छे से वो मोटिवेटेड होकर बढ़िया कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हैं। तो कोई संदेश जो आप देना चाहती हूँ बच्चों को? बच्चों को यही देना चाहते हैं कि बस थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, थोड़ा और करें। अच्छा, बिल्कुल, अगर एग्जामिनर पूछा तो अच्छे से और बता सकते हैं और अच्छे से। धन्यवाद बेटा, आपने क्या बनाया यहाँ पर? जल चक्र का मॉडल बनाया है, तो इस तरीके से आप जल चक्र दिखा रही हैं, क्या है थोड़ा समझाइए? थोड़ा बादल का प्रोसेस बताइए आप। बादल का प्रोसेस, जब सूर्य की गर्मी हमारी पृथ्वी पर बसते जल निकाला, जैसे समुद्र, झील, तालाब आदि पर बैठी है, तो इसका पानी उबलकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर आकाश की ओर जाता है और इससे ऊंचाई पर जाकर ठंडा होकर बादल रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्रिया करने से इसे संघनन कहते हैं जी जी। जब यह बात बहुत अधिक समय हो जाती है तो यह वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती है, प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन ही वर्षा कहते हैं। वेरी गुड। यह नीचे आकर विभिन्न जल के स्रोतों, नदी, समुद्र, तालाब आदि में एकत्रित हो जाती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार चलती है। बेटा आपने क्या बनाया यहाँ पर? स्मार्ट सिटी मॉडल बनाया। अच्छा, ये क्या है बेटा? स्मार्ट सिटी बनाई है? अरे काफी स्मार्ट है आपकी सिटी तो भाई, बहुत बहुत बधाई। आपको कौन सी क्लास है आपकी? 10। अच्छा बेटा, ये क्या बनाया आपने? आपका भी भाई बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, क्योंकि आपकी वजह से ही प्रदर्शनी चल रही है जी। अच्छा, मिट्टी का यूज किए बिना खेती है? तो आप हमको मिट्टी से तो देखा होगा कि खेती होती है? नहीं, बिल्कुल देखा है। हाँ, पर पानी से कैसे? नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक जी। तो मैं आपको बताती हूँ उसमें मिट्टी का यूज किया जाता है। मिट्टी की तरह कुछ पोषक तत्व इसमें जरूर आप मिला सकते हैं। अच्छा, कैसे, क्या मिला सकते हैं उसमें? जैसे कि हम मतलब कुछ वैसे जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं
जो हमें खेती करना है उसके टाइम पे हम उसमें पोषक तत्व मिला सकते हैं। और ये मतलब कि लॉन्च हो चुकी है ये वाली जो टेक्नोलॉजी है बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के एक जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था विलियम फ्रेडरिक। उन्होंने मतलब 7.6 मीटर ऊंचे टमाटर के पौधे से इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम पे मतलब की टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें बताया था। जी आप हमें ये बताइए कि इसमें किस प्रकार के पौधों को हम उगा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के? जैसे कि हम धनिया, मनी प्लांट, एलोवेरा से लेकर टमाटर से लेकर जो छोटे पौधे जो अच्छा जिन्हें हाउसेज में हम लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक मतलब कि इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि मिट्टी से खेती मतलब कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, जब मिट्टी मतलब कि इतनी अच्छी खेती हो रही थी तो पानी से खेती तो वैज्ञानिक जी 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 उन्होंने क्यों की? तो जैसे कि मतलब कि जो पौधे वैज्ञानिक थे उन्होंने पौधों की बीमारियों का टेस्ट कराया, तो उन्होंने देखा कि जो पौधे मतलब कि सड़ रहे हैं गड़ रहे हैं उन्हें हमारे कृषि भाई लोगों के पौधे को बचाने के लिए इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम का यूज किया था। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। शालिनी है ना बेटा, क्या बनाया बेटा आपने? वुमन आई, क्या ये वर्किंग आई है? हाँ। थोड़ा आप हमको दिखाएं कैसे वर्क करती है ये? अच्छा मोमबत्ती जलाती है। सर ये मैंने मतलब एक ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, मतलब जी। आँख में जो उत्तल लेंस होता है। अच्छा मतलब ये आपने उत्तल लेंस लगाया? हाँ। जो ह्यूमन में होता है। जी जी, मतलब कोई भी जब कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब आँख में उल्टा दिखता है, मतलब जैसे आँख की जो फोकल दूरी अगर उसको बढ़ा दे तो मतलब जो प्रतिबिंब है वो आँख में मतलब धुंधला दिखता है। यहाँ पर ये रेटिना में सूख गया है। कोई नहीं आप जला दो, पंखा थोड़ा बंद कर दो, यहाँ से फैन बंद होगा, फैन बंद कर दिया। नहीं लाइट नहीं है, सिर्फ फैन। और ये थोड़ा खोल दो ताकि रोशनी आए। लाइट बंद कर दो। हाँ चलिए पढ़ाई मतलब इसमें मतलब जब फोकल दूरी बढ़ जाती है। अच्छा ये जो बीच वाला भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेटना है, है ना बेटा? प्रतिबिंब दर्शाया है, मतलब जब दूरी बढ़ा जब डिस्टेंस बढ़ा दी तो ये धुंधला दिखता है। इसके लिए हम लेंसों का प्रयोग करते हैं। लेंस लगा देने से मतलब वो ये वस्तु है वो स्पष्ट सही से दिखने लगती है। अरे वाह, तो बेटा आप पहले ये बताओ हमको ये जो लेंस आपने लिया है ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। उत्तर लेंस है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया से आपने मॉडल को समझाया बेटा। आपने यहाँ पर काफी ग्रीन आपका मॉडल जो है वो दिख रहा है। नमस्ते, किसी के पास कम जगह है या कुदरत की भूमि है तो कैसे खेती कर सकता है? इसमें मैं बहुत सारे घरेलू उपयोग के पौधे उगाए हैं, जैसे तुलसी, जो तुलसी औषधीय पौधे हैं, जो खांसी जुकाम सिरदर्द को आने बड़ी महंगे बीमारी हम इसका प्रयोग करते हैं। पुदीना जैसे जीवित लवाने और बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर इसमें सब पौधे घरेलू उपयोग के लिए बहुत सारे पौधे लगाए हैं, औषधीय पौधे, तुलसी। तो इसमें आप ये बताइए किन किन पौधों को हम लोग उगा सकते हैं? इसमें सर बहुत छोटे पौधे उगा सकते, छोटे पौधे उगा सकते हैं, मतलब जो होम में लग सकते हैं थोड़ी स्पेस में। जी तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? जैसे बाहर सब्जियां लेने जाते हैं पता नहीं उनमें कौन कौन सी केमिकल हो या खादों का यूज किया जाए, तो अगर घर पे ही उगाएंगे तो अच्छा, मतलब केमिकल का यूज आपको मतलब जो भोज पदार्थ आप यूज कर रहे हैं वो प्योर भोज पदार्थ हो, तो उसमें प्रदूषण के चक्कर में आपने इनको बनाया। तो अच्छा ये किसका पौधा है? क्या इसमें अनाज को उगाया जा सकता है? हाँ, अच्छा अनाज को उगा सकते हैं। और ये किसका पौधा है बेटा? सर ये मिर्ची का। अच्छा मिर्ची का, मिर्ची लगी भी यहाँ छोटी छोटी दिख रही है। जी जी, और सर ये तुलसी है। तुलसी का हड्डी हड्डी जोड़ने का काम करती है। और ये एलोवेरा है। जी जी, और ये बारहमासी गैना, और ये उलमुही। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत अच्छा पौधा। बहुत अच्छा लगा था। आप बताइए प्रदर्शनी कैसी लगी, फोटो खींच रही हो? ये आप बताइए आपने यहाँ पर देखा कैसा लगा आपको? बहुत मस्त, बढ़िया लगा। और क्या रिव्यू आप देना चाहते हैं बच्चों को, कितने अंक देंगे आप? 10 में से 9। 10 में से 9 है, बहुत मेहनत की है। क्या दिखा रही है उसमें? ये मैं इसमें पॉलिनेशन दिखा रही हूँ। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जाते हैं। जी, यदि मतलब कोई पुष्प एक लिंगी हो किस माध्यम से जा सकते हैं ये? जैसे किसी कीट के माध्यम से जा सकते हैं। अच्छा आपने यहाँ कीट के तौर पे तितली का यूज किया है? हाँ। जी, यदि तितली इस पुष्प पर बैठी तो उसके पैर में परागकण लग गए, जिससे अच्छा। कि यदि ये तितली अपने दूसरे पुष्प पर गई तो उस पुष्प के बढ़ते तौर पर उसके परागकण लग जाते हैं, परागकण लग जाते हैं, जिससे कि बीज निर्माण होता है या फिर फल लेने वाला हो तो फल निर्माण होता है। अच्छा, तो ये क्या सारे पौधों में होता है? कुछ पौधे एक लिंगी होते हैं, कुछ पौधे दो लिंगी होते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन होता है वो किन पौधों में होता है? ये एक लिंगी पौधों में। एक लिंगी पौधों में।
देखिए भाई वीडियो अभी खत्म नहीं हुए भाई, सिलसिला भी जारी है ना। तो वीडियो आपको और भी मिलने वाली है इस टॉपिक पर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों की थी। कमेंट सेशन मुझे पर्सनली बहुत मैसेज भी आ रहे थे कि सर वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा बच्चों की यूनिक आइडियाज जो है वो देखने हैं मुझको। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, धन्यवाद।